कानपुर से कोमल हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार मैम, मुझे आंखों के नीचे काले घेरे हैं और मेरे बाल बहुत झड़ते हैं। जी उम्र तो आपकी कितनी है? 15, 16, 17? ये 23 साल है मेरी उम्र, और मेरी मम्मी की उम्र है 45 साल। उनके लीवर में बहुत प्रॉब्लम है, किडनी बड़ी हुई है और बहुत दिक्कत होती है, बहुत देर तक बैठी रहती है। जी ठीक है, हम दोनों को एक नुस्खा बताते हैं, वो दोनों के काम आएगा। देखिए, एक जी नुस्खा बता रहा हूँ जो माँ बेटी दोनों के काम आएगा, आप समझ लें। आपको रोज़ाना एक नारियल पानी लेना है और उसमें आधा ग्राम गौन मोरिंगा मिला के सफ़ेद वाला, असली वाला, सफ़ेद वाला, असली वाला पी लेना है। आपकी दोनों शिकायतें, आपके डार्क सर्कल, आपको बालों की परेशानी, इसका ठीक होना मुमकिन है। और आपकी मम्मी को यही गौन मोरिंगा 1 ग्राम पानी में और नींबू पानी में मिलाकर रोज़ाना एक बार या ज़्यादा ज़्यादा 2 बार पीना, यही गौन मोरिंगा, लेकिन असली वाला सफ़ेद वाला लेना है और रॉ मटेरियल लेना है, तो आपकी मम्मी की भी समस्या ठीक होना मुमकिन है। जी पंजाब से अगले कॉलर हैं, जय प्रकाश हमारे साथ, स्वागत है आपका। अरे अरे हाँ, हकीम जी से बात मिली जाएगा। जी, हाँ बहुत अरे हकीम जी से कहीं तो मम्मी के लिए बताना है जी, तो बोलिए बताइए बताइए बताइए, आप हेलो। किससे बात कर रहे हैं? जी आप आईने में बात कर रहे हैं क्या? बताइए हेलो, बताइए बताइए। हाँ मेरे पेट में बहुत दिक्कत है हकीम जी। पैर में, नहीं, पेट मैया। पेट में क्या होता है बताइए। अरे तो पेट बहुत बिल्कुल टाइट रहता है, ये पसुरिन के आगे बिल्कुल इतना टाइट कि कुछ जैसे कि गिरती ऐसी पता चला था, बिल्कुल पसुरिन के आगे बाई साइड मैया, ऊपर से लगा के नीचे लगे, और नीचे का पेट ऑपरेशन हुआ था ना, तो आज 15 साल पहले, तो वो पेट लटक गया है बिल्कुल से ना, तो वो बिल्कुल टाइट रहता है। 50 अभी आपकी आयु कितनी है? के अंदर ही है वे, बस अच्छा, वो आपको लैट्रिन होती है, पॉटी होती है रोज़ाना? वही में तो दिक्कत हो रही है, इतनी दिक्कत कि 3 3 घंटा लैट्रिन में बैठना पड़ता है, फिर भी लैट्रिन लगती नहीं, लगती है तो उंगली से हमें निकालना पड़ता है, इसे अपने आप आती ही नहीं है, इतनी दिक्कत हो रही, पेट साफ ही नहीं हो पावा से ही। ठीक है ठीक है। और कोई डॉक्टर बताते हैं कि जब एक्सरे होता है तो सब नॉर्मल, और नसें इतनी सूजी हैं बहुत कि सुंदर। जैसे बिल्कुल गोल गोल जैसा नजर, नीचे की तरफ तो बहुत टाइट रहा था, नीचे बिल्कुल जैसे कुछ लोड बिल्कुल एकदम नीचे टाइट रहा था पेट। मैं समझ गया आपको, आप मेरी बात गौर से सुने खूब। देखिए, एक तो आपको जब भी पीना है गर्म पानी पीना है, और पानी भी गर्म, ऐसा जैसे चाय होती है ना, चुस्कियाँ लेके पिया करें, और दिन में 5 बार कम से कम गर्म पानी पीना अनिवार्य है आपके लिए। और 1 घंटा पैदल चलना आपके लिए ज़रूरी है, वो भी धूप में। चल नहीं सकते तो आप बैठ ही जाइए धूप में, थोड़ा थोड़ा देर, लेकिन टोटल 1 घंटा हो जाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और आपका तो पूरा निज़ाम ख़राब कर दिया है। देखिए, अलसी भून लीजिए, अलसी थोड़ी सी भून कर और पाउडर बना लीजिए, 200 300 ग्राम अलसी भून कर पाउडर बना लें, और इसमें एक नमक आता है कलौंजी का, उसमें 100 ग्राम मिला लें, 500 ग्राम अलसी, 100 ग्राम कलौंजी का नमक। अलसी को भूनना है और पाउडर बनाना है, आधे से 1 चम्मच दिन में 2 बार लेना है, खाने से पहले गर्म पानी के साथ, तो आपकी स्वास्थ्य होना मुमकिन है। अर्चना हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी बोलिए। मेरे हस्बैंड की उम्र है 45 साल और उन्हें वादी बवासीर है, उनके मत से फूल जाते हैं बहुत ज्यादा, बैठने उठने में बड़ी दिक्कत हो, फिर तो उसका कोई घरेलू नुस्खा?
ठीक है। हाँ, एक तो घर में जो भी व्यंजन आप बनाएं उसमें आप अदरक और लहसुन इतना सारा डाला करें जो भी खाना बनाए करें, और 5 बार गर्म पानी पिलाएं उनको दिन में। हर कुछ भी खाएं तो एक चम्मच सौंफ ज़रूर खाएं। ये घरेलू इलाज है, और एक ये इलाज है कि आप जैतून का नमक ले लें, जैतून का नमक और आधा ग्राम पानी में मिला के रोज़ 1 बार या 2 बार उन्हें पिलाया करें, उनकी ये परेशानी ठीक होना मुमकिन है। तो बिल्कुल उनकी परेशानी ठीक ज़रूर हो जाएगी, क्योंकि उनकी तकलीफ बहुत ज़्यादा है। और आपने एक विश्वास के साथ यहाँ पे कॉल किया है, तो आपसे कहना चाहूँगी अर्चना जी, आप नुस्खे ज़रूर अपना लीजिएगा। अगर कोई भी रॉ मटेरियल मिलने में आपको दिक्कत परेशानी होती है तो आप हकीम साहब की कंपनी से भी मंगवा सकती हैं, लेकिन इंतज़ार थोड़ा सा कीजिएगा क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा दर्शकों। तभी आपसे कहा जाता है कि असली नकली में पहचान करके ही रॉ मटेरियल लीजिएगा, और जो नुस्खे बताए जाते हैं एक एक बात नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि लाइव कार्यक्रम में बहुत मुश्किल से आप लोगों की कॉल लग पाती है। बहुत कीमती वक्त हकीम साहब का होता है जो वो आपके लिए निकाल कर लेके आते हैं, क्योंकि वो भी ये चाहते हैं कि आपकी जो शिकायतें होती हैं कि लाइव प्रोग्राम में बात नहीं हो पाती है, तो वो शिकायत आपकी दूर हो सकती है। सिर्फ आप लोगों को इन नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन्स पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। हकीम साहब, जब बात आती है माजून आर केयर के बारे में, बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई है ये तो दवाई यूनानी, क्योंकि हमारी ये रक्षा ही कर रही है, एक सुरक्षा कवच ही हमें प्रदान कर रही है। जो संक्रमण, जो महामारी विश्व भर में फैली हुई है, तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहे, बहुत ही ज्यादा बूस्टअप रहे। तो क्या जिस व्यक्ति को कोई बीमारी ना हो, या फिर वो इसका वैसे भी सेवन करना चाहते, उसको लगता हो कि नहीं मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, वो भी इसका सेवन कर सकता है? हाँ, सही आपने कहा कि देखिए इस वक्त तो भारत ही नहीं पूरे विश्व को इम्यूनिटी की ज़रूरत है। बिल्कुल। और ऐसे में अगर किसी को ये नज़र आ गया कि इम्यूनिटी हमारी हमें किसी भी बीमारी से बचाती है, हालांकि मैं तो मुद्दतों से कहता हूँ कि इम्यूनिटी हमारी अगर ज़रूरत के मुताबिक ना हो, ज़रूरत की बराबर ना हो, तो हमें रोग घेर लेते हैं। वरना इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग हो तो आप देखेंगे कि कितने लोग हॉस्पिटल जाते हैं, मर्ज कैंसर का होता है, लेकिन वो कैंसर को हरा के आ जाते हैं। इसलिए इम्यूनिटी की दवा के लिए मैं सबसे कहता हूँ कि ज़रूर लें, चाहे एक ही खुराक लें रोज़ाना, एक रोटी कम खा लें, लेकिन एक खुराक इम्यूनिटी की ज़रूर लें। इस वक्त खुद को बचाना, अपने परिवार को बचाना पहली शर्त है। तरक्की हम बाद में कर लेंगे, पेट भर के खाना बाद में खा लेंगे, काम बाद में कर लेंगे, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा चाहिए, अपने परिवार की सुरक्षा चाहिए। तो बिल्कुल, अगर आप लोग अपने ख्याल रखना चाहते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग माजून आर केयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी दर्शकों, लाइव कार्यक्रम है, अगर आप लोग हकीम साहब से बात करना चाहते हैं, नुस्खे जानना चाहते हैं, तो फ़ोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से, हमारे साथ प्रतिभा जुड़ी हैं, स्वागत है आपका। हेलो प्रतिभा। हेलो जी प्रतिभा जी, बताइए। मेरे को बात हकीम साहब से करनी है। जी जी बताइए, मैं तो सुन रहा हूँ, आप क्यों नाराज हैं? मैं टीवी पे देख रही हूँ, टीवी पे तो नहीं आ रहा है ये कुछ है। टीवी देख रही हूँ पर टीवी पे तो ये चीज नहीं आ रही है मेरी। अरे मैं मिस्टर इंडिया बन गया शायद, मैं शायद मिस्टर इंडिया बन गया। मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ, सामने हूँ आपके। अच्छा अच्छा, हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरा लड़का 42 साल का है और उसको बहुत ज्यादा खुजली हो रही है। ठीक है, कब से है ये? 10 दिन हो गए उसको, बहुत हाथों और पैरों में बहुत ज्यादा खुजली हो रही है। ठीक है। अच्छा देखिए, एक नुस्खा और से सुनिए, अलसी भून लीजिए थोड़ी सी, ज्यादा मत भूनना, इसका पाउडर बनाइए, एक चम्मच उसको खिलाइए, आधा चुटकी सोडा खाने का मिलाकर, ऐसी आप रोजाना 2 खुराक दे सकते हैं। बच्चे की खुजली बहुत जल्दी ठीक होना मुमकिन है। चलिए, आपके बच्चे की जो परेशानी है दूर हो जाएगी, नुस्खे अपना लीजिएगा, बहुत आपको लाभ मिलेगा। ये बात करते हैं अगले कॉलर से। जी स्वागत है आपका, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार जी, मैं नमस्कार सर। जी 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 आदाब जी,
हकीम साहब, मेरे हस्बैंड का और मेरे दो सवाल हैं जी। इनको 5 साल पहले टाइफाइड हुआ था मेरे हस्बैंड को, और उसके बाद इनको बीपी हाई होने लग गया प्रोस्टेट। तो पहले टाइफाइड का एक डॉक्टर ने इलाज किया पूरा, फिर दूसरे डॉक्टर ने किया, तीसरे से फिर इनका जो टाइफाइड है वो ठीक हुआ था। अभी इनके जो पसीने से बदबू टाइफाइड की आती है और कंपन बॉडी में पूरी है, और बीपी की दवाई लेते हैं और प्रोस्टेट की लेते हैं और कंपन की। अभी इनकी उम्र कितनी है आपके पति देव की? 72 है जी। अच्छा अच्छा, काफी उम्र है। मेरा इस वाले रहती जी जी। तो मेरे को बहुत टाइम से गैस बनती है, और अभी 3 साल से डॉक्टर साहब ने एक ने चेक किया, उन्होंने बोला थायराइड है, मैं थायराइड की दवाई ले रही हूँ। गैस का तो हकीम साहब मैं अति हो गई, एलोपैथी होम्योपैथी नेचुरोपैथी सब किया, मेरे को कहीं से राहत नहीं मिली। अब मैं एक चूर्ण से गुजारा करती, अब मैं एलोपैथी को खाना बिल्कुल छोड़ दिया, अब मुझे नफरत। ठीक है, आप नाराज हैं। हकीम साहब 66 जी जी, आप फिक्र ना करें, और आप सिर्फ अपना टाइफाइड ठीक करें, आपको ठीक होना मुमकिन है। मेरी बात गौर से सुनिए, पहले मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ, लिख लीजिए। देखिए, धनिया 300 ग्राम, धनिया 300 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, धनिया 300 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम और गौंद मोरिंगा 100 ग्राम, इनको पाउडर बनाए घर में, पिसा पिसाया कुछ भी ना लें। गौंद मोरिंगा असली लेना, सफ़ेद वाला, सफ़ेद वाला गौंद मोरिंगा मिलेगा मुश्किल से, लेकिन फ़ायदा बहुत करता है। एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम खाएं, और वो दवा भी खाते रहें जो आप टाइफाइड की डॉक्टर की खाते हैं, और हर महीने अपना टाइफाइड चेक कराएं। आपको और आपके डॉक्टर को बहुत खुशी होगी कि आपका टाइफाइड अपनी जगह आने लगा। हर महीने वो आपकी गोली कम करते जाएंगे, और आपके पेट के साथ टाइफाइड का भी ठीक होना मुमकिन है। अपने पति को आप कलौंजी का एक नमक आता है, नमक कलौंजी, नमक कलौंजी उन्हें दीजिए, आधा ग्राम पानी में मिला के रोज़ाना, एक बार या दो बार, पहले एक बार ही शुरू करें, और ये आप करेंगे तो उनको बहुत फ़ायदा मुमकिन है जी। अगले कॉलर इंदौर से हैं, खुशी हमारे साथ, स्वागत है खुशी। यस हाय। हेलो, बताइए सवाल। अजी वो मेरी नानी का फैट 70 किलो है, उनके वजह से उनके हाथ पैर कमर बहुत दर्द होती है, और उनको हाई बीपी है जी। 70 किलो है, अच्छा उम्र है ना उनकी कुछ? 60। बड़ी प्यारी सी बच्ची है, नाम भी खुशी है। और बच्चा आप लिख रहे हैं या नानी लिख रही हैं? एक मिनट, पेन लेके आती हूँ, कॉपी तो है, एक मिनट का। कॉपी है, पेन पड़ोस से तो नहीं लाना, कभी हम बैठे रहे आप आए नहीं। ठीक है, आपने मुझे इंतजार करा दिया, वरना लोग मेरा इंतज़ार करते हैं। आप इतनी छोटी प्यारी सी खुशी है कि खुशी के लालच में मुझे इतना इंतज़ार करना पड़ रहा है। बहरहाल आप लिख सकें तो लिखें, वरना मैं दूसरा कॉलर ले लूँगा। बताऊँ खुशी जी? थैंक यू खुशी। अपनी मम्मी को कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, कैप्सूल टी केयर सुबह शाम खाने के बाद दीजिए, 5 बार गर्म पानी पिलाइए, और अगर वो पैदल चलती हैं तो 1 घंटे के लिए धूप में घुमा कर लाया करिए रोज़ाना, इससे आपकी दादी पूरी तरह ठीक होना मुमकिन है। बहुत अच्छा लगा बच्चा, सबसे छोटे बच्चा लगता है मुझे, कहती मुझसे सब बुढ़े बुढ़े बात करते हैं, आज पहली बार बच्चे ने बात की, बहुत थैंक यू।